हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रीमियर प्रो के अंदर हम वीडियो कैसे स्लो करते हैं। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब आपने वीडियो देख ली, अब इसको स्लो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक वीडियो लेंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी अपने पास वीडियो ले रखी है, एक ले रखी है, ठीक है। अब इसको स्लो करना है, स्लो करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से हमको स्लो करनी है वहाँ पर हम लोग कट लगाएंगे। जैसे कि कट लगाएंगे हम लोग कंट्रोल के कर सकते हैं, बनने पर आता है रेवर टूल शॉर्टकट की सी, यहाँ पर कट करेंगे। और कहाँ तक करनी है, पूरी वीडियो को स्लो करना है तो करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस आर, वन राइट क्लिक करके आप यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर लिखा है स्पीड ड्यूरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम 50, ठीक है। 50 करते ही अब हमारी वीडियो और स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। अब देखिए बोल वीडियो पे स्लो हो गई है, ये देखिए, ठीक है। और इसको और स्मूथ करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे स्पीड ड्यूरेशन और यहाँ से हम लोग कर देंगे फ्रेम ब्लेंडिंग पे क्लिक करते ही ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारी लाइन रेड हो गई है, उसको हम एक बार हम लोग यहाँ से रेंडर मार लेते हैं। रेंडर मारने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओ दबाएंगे और सीक्वेंस में जाके रेंडर इफेक्ट इन आउट, ठीक है। तो एक बार एंटर करते हैं, शॉर्टकट किसकी, एंटर है तो और एंटर होता है। अब हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है, अब इसको देखते हैं अप्ले करके, ठीक है। हमारी वीडियो अब थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम अपनी वीडियो को स्लो करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो की एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं वीडियो पर और यहाँ पर हम जाके देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जब भी आपके जो वीडियो स्लो करनी हो, यहाँ पे स्लो करनी हो तो अपनी वीडियो कम से कम 60 FPS पे होनी चाहिए, 60 FPS, 20-30 FPS पे अपनी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। मेरी 25 पे है तो इसलिए वो ज़्यादा अटक रही है, ठीक है। तो आपकी वीडियो अगर 60 FPS पे होगी तो वो बहुत आसानी से स्लो हो जाएगी, ठीक है। अभी 25 FPS पे तो कम दिक्कत देगी, ठीक है। और एक तरीका तो ये हो गया स्लो करने का, और दूसरा तरीका क्या होता है कि देखिए, जैसे कि उसका तरीका नाम होता है टाइम रिवर्सिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे ओके किया, वो तो आया, और इसको थोड़ा यहाँ से नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन होता है FX का, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा है टाइम रिमैपिंग, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, सिंपल हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को अगर वीडियो को स्लो करनी है तो सिंपल हम लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे प्लस, और जहाँ तक करनी है वो आप क्लिक कर लीजिए, जहाँ से उनको स्लो कर लीजिए। अब करने के बाद हमको क्या करना है, अपनी वीडियो को अगर स्लो करना है तो ऑल्ट के साथ नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ये ऑल्ट के साथ नीचे लेके आएंगे तो वीडियो हमारी स्लो हो गई ऑलरेडी, देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। और इसको और स्मूथ करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको हल्का ड्रैग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन से आएगी, इसको आप यहाँ से रेड ऐसे करेंगे ना, सेट करेंगे प्रॉपर से, सेट, ठीक है। अब देखिए अब हमारी वीडियो स्लो हो गई है, ठीक है। आप इससे और अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हो, अगर आपको इसके इफेक्ट बनाना सीखना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा इससे कैसे और इफेक्ट बना सकते हैं स्लो मोशन से, ठीक है। ब्लेंडिंग इफेक्ट से बहुत सारे इफेक्ट बनते हैं जो म्यूजिक वीडियोस में काम आते हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना हो तो लाइक कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।